हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्यावच श्लोक नंबर 9। इन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करण का पहणी गुरु ऐं गौरंग का कृपा जी याचना कंदे मंगलाचरण कंदासी ताकि असन जेके कुछ बुद्धि रहा आयों हुन जो पूरो लाभ प्राप्त थी सके जेको आहे भगवान श्री कृष्ण जे चरणन में प्रेम जी प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गारंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद भगवद गीता मात जी जय। अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। भगवान श्री कृष्ण जे मुख में निकतल इन अत्यंत ही मधुर ऐं अमृतमय शब्दन के मूसा गडोग चवण जे प्रयास कयो ऐं जे अन्या ताई श्रीमद भगवद गीता जी जो तीं न वरती है तें से हथ जोड़े करे निवेदन है कि कृपया श्रीमद भगवद गीता जी जो तीं अवश्य परचेस करो। छाकाण तो जेस ताई असा श्लोक के दिसतासी न उनन श्लोकन के पढ़ी न सकतासी ऐं जेस ताई असा जे हथ में वो शास्त्र न हुंदो असा उन केवल बुद्धन सा न समझी सकतासी। तें करे जे कने तवां परचेस करण जी सघन आहे मना आहे तो सिर्फ 500 रुपए जी गीता है लेकिन जेकर कोई भी तुम नथा वी सको तो मुखे सिर्फ एकड़ो टैक्स कयो मां तांके पेंजी पैसन सा तांके कोरियर कंदम लेकिन कृपा करे भगवत गीता जरूर तवाजे पास हुजण घुर्जे। ठीक है हथ जोड़े ये निमाणी वेनती अथव कि भगवत गीता जदे भी बुधो श्लोक तो पेंजे हथ में खणी करे पोए पढ़ो। ठीक है श्लोक नंबर 9 अध्याय 6 भगवान चवन था सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते शब्दन जी मायने दिसु सुहृण सुहृण मन स्वाभाविक शुभ चिंतक जिके असा वेल विशर हुंदा है उनकी चइबो आहे सुहृण मित्र यानी स्नेह वारो शुभ चिंतक अरी मतलब दुश्मन उदासीन मतलब दुश्मन में निष्पक्ष ना दोस्त हुए ना दुश्मन हुए उदासीन हुए मध्यस्थ मतलब दुश्मन में पैंज यानी कि मध्यस्थ मतलब कि ना वो असो ज्यादा दुश्मन हुए या ना ही कोई ज्यादा उन दोस्ती हुए नॉर्मल हुए द्वेषी यानी ईर्ष्यालु बंधुषु मित्र माइट या शुभ चिंतक साधुष्वपि च पापेश साधुषु यानी पुण्यात्मा अपिमन अभु च पापेशु यानी पाप आत्मा के पुण्य वारा होंदा के पापियन वारा होंदा समबुद्धि समबुद्धि मन सभी के एक समान बुद्धि वारो विशिष्यति वधिक उन्नति कयल आहे तर्जुमो मानो के अन्याब वधिक उन्नति कयल समझो वने थो जनही हु ईमानदार शुभ चिंतक प्यारो भलो चाहिंदर बेतरफदार विच में पवंदर निरपक्ष ईर्ष्यालु दोस्त दुश्मन पुण्य आत्मा पापीय के समान भाव सा दिसे थो श्री प्रभुपाद जी जय मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यईश्वरं ग्रंथ राशि मद भगवत गीता मात जी जय अध्याय 6 जिनजो नालो आहे ध्यान योग ही अध्याय साधना जे स्तर ते ॾाढो महत्वपूर्ण आहे भगवान इन अध्याय जे शुरू में ही असां के यो ॿुधाइन था कि असां के कहिड़ी स्टेज ते कर्म करणो आहे कहिड़ी स्टेज ते असां संन्यास वठी सघूं था आख़िर संन्यास चिजे छाखे थो छा केवल कर्मन के ही छॾे ॾियण संन्यास आहे या कर्मन जे अंदर जेको फल जे अंदर जेको मोह हूंदो आहे उनखे छॾण संन्यास चए थो भगवान चवनि था अनाश्रित्य कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः जेको कर्म फल में अनाश्रित हुजे थो यानी कर्म फल में जेको मोह नथो रखे आसक्ति नथो रखे कार्यम कर्म करोति यः पंहिंजा कार्य जेके आहिनि से सच्चे सच्चाई से करे थो सह संन्यासी से अयोगी च न निर अग्नि न चाक्रिया उहो ही संन्यासी आहे उहो ही योगी आहे उहो ना आहे जेको कार्य ही नथो करे अग्नि नथो बारे उ योगी ना आहे वे श्लोक में वरी भगवान चवन था यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा यानी जैके संन्यास चवंदा आहिनि उहो ई असल में योग आहे
योग जो मतलब आहे जुड़ण, ऐं जुड़ण त कंहिंसां जुड़ण, भॻवान सां जुड़ण। जॾहिं माण्हू भॻवान सां जुड़ंदो आहे त उहो ई असली संन्यास आहे, मतलब योग ई असली संन्यास आहे। छाकाणि त संन्यास जो मतलब छा आहे त फल जे अंदर आसक्ति न हुजे, ऐं योग इंद्रिय तृप्ति जी आसक्ति के छॾे मन खे भॻवान सां जोड़ण। योग जो मतलब आहे लिंक, मतलब संसारी सभिनी वस्तुअनि सां आसक्ति हटाए जॾहिं भॻवान सां लिंक जुड़ंदो आहे तॾहिं त योग थींदो आहे। वास्तव में असां संन्यास खे तॾहिं ताईं ग्रहण नथा करे सघूं जॾहिं ताईं भौतिक वस्तुअनि सां असांजी आसक्ति ख़तमु नथी थिए। ऐं सत्य त इहो आहे त जॾहिं भौतिक वस्तुअनि जी आसक्ति ख़तमु थिए थी तॾहिं ई भॻवान सां प्रेम वधे थो। वास्तव में संन्यास जो मतलब योगी आहे। जॾहिं भॻवान सां मन जुड़ंदो आहे तॾहिं संसार सां मन हटी वेंदो आहे। तंहिं करे हिते भॻवान चवनि था, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जेको संन्यासी न हूंदो आहे, यानी भौतिक वस्तुअनि जो त्याग न कंदो आहे, उहो त कॾहिं बि योगी नथो बणिजी सघे। उन खां पोइ भॻवान वरी ॿिनि अवस्थाउनि जो, स्टेज जो ज़िक्र कयो कि योग आरूढ़ कंहिंखे चइबो आहे ऐं योग आरूढ़ कंहिंखे चइबो आहे। भॻवान चवनि था आरूढ़ और मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरूढ़ माना बिगनिंग स्टेज, जॾहिं संन्यास जो प्रारंभ हूंदो आहे तॾहिं कर्म कारणम उच्यते। जीव खे कर्म त्याग न करणो आहे, बल्कि कर्म ही करण ही आरूढ़ जीव जो संकल्प हुजणु घुरिजे कि मूंखे कर्म करणो आहे। ऐं जॾहिं उहो योग आरूढ़ थी वेंदो आहे, योग आरूढ़ मतलबु जॾहिं योग में बिल्कुलु पको थी वेंदो आहे, योग आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, पोइ उहो कर्मनि खे त्याग करे सघे थो। पोइ भॻवान अॻियां ॿुधाइनि था कि योग आरूढ़ जेको आहे असां पंहिंजो पाण खे नथा चई सघूं जेसि ताईं असांजे अंदरि इहे क्वालिटियूं न हुजनि। पहिरीं क्वालिटी छा आहे, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, यानी कि जॾहिं जीव कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति लाइ न कंदो, योग आरूढ़ मतलब जॾहिं जीव इंद्रिय तृप्तिअ खां बिल्कुलु आजो थी वेंदो आहे, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, ना ही हू इन दुनिया में ही इंद्रिय तृप्तिअ जो को कार्य कंदो आहे, ना ही कर्म जे बाद फल जी इच्छा रखंदो आहे, कर्म स्वनुषज्यते, सर्व संकल्प संन्यासी, ऐं ना ही उहो स्वर्ग में वञी इंद्रिय भोग जी इच्छा रखंदो आहे। योग आरूढ़स तदुच्यते, उन ई खे योग आरूढ़ चवंदा आहिनि, मतलबु इंद्रियनि जी तृप्तिअ जी इच्छा खे त्यागणु, सकाम कर्म जंहिंसां भविष्य में आश्वासन प्राप्त थिए त असां स्वर्ग में वेंदासीं, उन्हनि इच्छाउनि जो त्याग, ऐं हृदय जे अंदरि इंद्रिय तृप्तिअ जी का इच्छा न हुजे। जॾहिं इहे सभु योग्यताऊं प्राप्त थींदियूं आहिनि तॾहिं योग आरूढ़स तदुच्यते, हुन स्थितिअ ते पहुचण खां खे योग आरूढ़ चयो वेंदो आहे। ऐं इन स्थिति ते पहुचण जी सभ खां वॾी जेकी बाधा आहे सा आहे मन। तंहिं करे हाणे भॻवान श्लोक नंबर 5 ऐं 6 में मन जे विषय में ॿुधाइनि था कि उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। जेको मन आहे उन जे द्वारा ही जीव जो उद्धार थी सघे थो, ऐं उन जे द्वारा ही जीव जेको आहे सो पतन खे प्राप्त थींदो आहे। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, मन जे द्वारा जीव पंहिंजो उद्धार बि करे सघे थो, तंहिं करे जीव खे पंहिंजो उद्धार करणु घुरिजे। ऐं न
पंहिंजो पतन करणु घुर्जे नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्यवस्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। जेको मन आहे उहो ई ह्यात्मनो बंधु असांजो बंधु आहे, बंधु माना मित्र आहे, ऐं उहो ई मन आत्मैव रिपुरात्मना, उहो ई मन असांजो शत्रु भी आहे, शत्रु माना दुश्मन भी आहे। त उहो ई मन असांजो बंधु ऐं शत्रु कीअं थो थी सघे? तॾहिं भॻवान ॿुधाइनि था, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाप्सितः। जॾहिं असां मन खे जीतींदा आहियूं त उहो मन असांजो मित्र बणिजी वेंदो आहे, बंधु बणिजी वेंदो आहे। ऐं अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। लेकिन जेकॾहिं मन खे जीतियूं न, तॾहिं मन असांजो सभ खां वॾो ख़तरनाक दुश्मन बणिजी वेंदो आहे। तंहिं करे जे मन खे जीतियो आहे, मन उन्हनि जो सभिनी खां सुठो मित्र आहे, ऐं जेको मन खे वस में करण में नाकाम रहियो आहे, उन लाइ मन हिन जो वॾे में वॾो दुश्मन रहंदो। तंहिं करे हाणे श्लोक नंबर 7 में भॻवान हिकिड़ी सुंदर ॻाल्हि ॿुधाइनि था कि मन खे जीतण सां लाभ छा थींदो। जितात् मनस्य प्रशांतस्य। जॾहिं मन खे जीते वठंदो न माण्हू, तॾहिं मन संतुष्ट थी वेंदो। मन जी इच्छाउनि खे पूरे करण सां मन संतुष्ट थींदो, इहा असांजी ग़लति फ़हमी आहे। सभई शास्त्र पढ़ी ॾिसूं, सभिनि संतनि जो ॿुधी वठूं, सभिनि भक्तनि जो ॿुधी वठूं, लेकिन किथे ईअं नाहे लिखियल कि मन जी इच्छाउनि खे पूरो करण सां असां आनंदित थींदासीं। इहो संभव ई नाहे त मन खे असां कुझु ॾेई आनंदित करे सघूं। छाकाणि त मन जेको आहे उहो इच्छाऊं जेको कंदो आहे, उहे इच्छाऊं अग्निअ वांगुरु आहिनि। जेतिरो जेतिरो गिहु असां विझंदासीं, ओतिरो ओतिरो इहे इच्छाऊं भड़कंदियूं। किन माण्हुनि जो ख़्यालु आहे कि मन खे सिकाइण न घुरिजे, उन्हनि जी जेकी इच्छा हुजे सा पूरी करणु घुरिजे। जेकॾहिं मन नॉन वेजिटेरियन खाइण जी इच्छा करे, छा उनखे नॉन वेजिटेरियन खारायूं? जेकॾहिं मन नशो करण जी इच्छा करे, छा उनखे नशो करायूं? न, बुद्धीअ सां मन जी लगाम खे असांखे कसे झलणो आहे। न त इहे इंद्रियनि जा जेका घोड़ा आहिनि से किथे वञी करे असांजे शरीर रूपी रथ जो एक्सीडेंट करे असांखे सत्यानाश करे छॾींदा असांजे मनुष्य जीवन जो, इन जो को भरोसो न आहे। तंहिं करे मन त बेलगाम आहे, लेकिन बुद्धीअ खे त अकुल आहे। बुद्धीअ सां असां पंहिंजे मन खे जीतंदा आहियूं कि हे शयूं करणियूं आहिनि, हे न करणियूं आहिनि। जॾहिं मन हिकु बार जीते वेंदो आहे, मन हिकिड़े शेर जीअं हूंदो आहे। जॾहिं शेर हूंदो आहे न, उहो छा कंदो आहे, घुराईंदो आहे कि मां तोखे खाई छॾींदसि, है न। अगरि असां भयभीत थी वियासीं त पोइ जेको शेर आहे सो असांखे बख़्शंदो न, खाई वेंदो। लेकिन जेकॾहिं को सर्कस में शेर खे वठी अचे और शेर घुराए थो, त उहो भयभीत न थींदो आहे, छाकाणि त हुनखे ख़बर आहे घुराइण जे बाद शेर पाण ई शांति थी वेंदो। उहो हुनजे पास ॿियो कोई चांस ई न आहे, छाकाणि त उहो शेर जेको आहे सो पिंजरे में आहे। उन ई तरह सां मन बि हिकिड़े शेर जी तरह सां आहे। जेकॾहिं उनजे घुराइण सां, मतिलबु इच्छा करण सां असां डिॼी पऊं ऐं उहे इच्छाऊं पूरियूं कयूं, त पोइ और बि वधीक इच्छाऊं कंदो। लेकिन जेकॾहिं असां उन्हनि जी इच्छाउनि खे नियंत्रित कयो, त पोइ उहो शांति थी वेंदो। जितात् मनः प्रशांतस्य। ऐं जॾहिं उहो प्रशांत थी वेंदो आहे, आनंदित शांत थी वेंदो आहे, उन सां छा थींदो आहे, परमात्मा समाहित। परमात्मा मतिलबु परम ईश्वर, परम कंट्रोलर जेको आहे, उनखे असां ॾिसी सघूं था। श्रीमद भगवत गीता जे 6 अध्याय जे श्लोक नंबर 7 में पहिरीं दफ़ा
शब्द परमात्मा आयो आहे। ऐं भगवान हिते ॿुधाइनि था त जेके मन खे जीतींदा आहिनि, हृदय में वेठल परमात्मा जो समाहिता, उन ई माण्हुनि खे हृदय में वेठल परमात्मा प्राप्त थींदो आहे। वास्तव में परमात्मा असां खां दूर न आहे, उहो त असांजे हृदय में ही आहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, लेकिन वो हृदय में वेठल परमात्मा असां के नजर न ईंदो आहे। कारण चाहे छाकाण त इंद्रिय तृप्तियुनि जो जेके वासनाऊं मन जे मथां वेठियूं आहिनि, उन मन खे अहिड़ो त गंदो करे छॾियो आहे, जंहिंजे कारण हृदय में वेठल भॻवान जो दर्शन ई नथो थिए। जीअं समुद्र हूंदो आहे न, समुद्र में जॾहिं लहरियूं ईंदियूं आहिनि ऐं कुझु मटी पई हूंदी आहे, कुझु आहे न उथल पुथल माण्हुनि जी हूंदी आहे, त उन जाइ ते अगरि असां ध्यान सां बि ॾिसूं त समुद्र जे तेह ते छा आहे, छा छा हीरा आहिनि ऐं सिपियूं आहिनि, उहे असांखे ॾिसण न ईंदियूं। छाकाणि त समुद्र शांत न आहे न, लेकिन जेकॾहिं असां उन पाणीअ खे बिल्कुलु शांति कयूं, कोई पूल हुजे उनखे बिल्कुलु शांति कयूं, ऐं शांति थियण खां पोइ सभई जेके ई हृदय जे अंदरि जेके परमात्मा स्वरूप में भॻवान पाण वेठो आहे, उन जो दर्शन थींदो आहे। जीअं पाणीअ में जॾहिं हलचल हूंदी आहे, उथल पुथल हूंदी आहे, तॾहिं ताईं पाणी जे अंदरि बॉटम में छा आहे उहो ॾिसण में न ईंदो। उन ई तरह मन में जॾहिं इंद्रियनि जे इच्छा जो पूर्तीअ जूं जेकी कामनाऊं हूंदियूं आहिनि, उन जे करे जेकी हलचल थींदी आहे, तॾहिं त हृदय में वेठल परमात्मा जो दर्शन न थींदो आहे। लेकिन जितात्मनः प्रशांतस्य, जॾहिं मन खे जीतींदा आहियूं, तॾहिं संतुष्टि प्राप्त थींदी आहे ऐं हृदय में वेठल परमात्मा जो दर्शन थींदो आहे। ऐं उन खां पोइ टिनि शयुनि खां जीव न्यारो थींदो आहे। हिकिड़ो आहे शरीर जो, ॿियो आहे मन जो, ऐं टियों आहे अहंकार जो। शरीर जो कहिड़ी शयुनि सां लिंक आहे? शीतोष्ण यानी सर्दी और गर्मी। सर्दी थींदी आहे त शरीर खे लॻंदो आहे कि थधि आहे, ऐं अॼुकल्ह गर्मी आहे त गर्मीअ में सभिनि खे लॻंदो आहे कि त उहो जेको मन जंहिंजो शांति आहे, उहो सर्दी गर्मी ऐं ॾुख और सुख, इहे मन जो कार्य आहिनि। ॾुख ऐं सुख मन में महसूसु थींदा आहिनि। ॾुख ऐं सुख खां ऐं मान ऐं अपमान जेको आहे सो अहंकार जो विषय आहे। यानी शरीर मन ऐं अहंकार जे द्वंद्वनि खां उहो आज़ादु थी वेंदो आहे। तंहिं करे अहिड़े माण्हूअ खे ॾुख ऐं सुख, सर्दी ऐं गर्मी, मान ऐं अपमान सभु बराबरि हूंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ भॻवान वरी ॿुधाइनि था कि इहा स्थिति ईंदी कीअं आहे। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जॾहिं ज्ञान थींदो आहे न, उन सां आत्मा तृप्त न थींदी आहे। ज्ञान सां गॾु विज्ञान आवश्यक आहे। मन जीवन जे अंदरि प्रैक्टिकल अवश्य हुजणु घुरिजे, न त आत्मा संतुष्ट न थींदी आहे। अॼु असां ॾिसंदा आहियूं घणा ई माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंखे ज्ञान घणो हूंदो आहे, पर प्रैक्टिकल उन्हनि जे जीवन में को अभ्यास न हूंदो आहे। उहो कीअं आहे? जीअं अगरि कंहिंखे कोई बीमार थी वञे, उनखे बुखार अची वञे या ॿियो कुझु, तॾहिं डॉक्टर उनखे मेडिसन्स ॾींदो आहे। ऐं डॉक्टर मेडिसन्स ॾींदे वक़्तु ॿुधाईंदो आहे कि ॾिस, तोखे घणो ई तकलीफ़ आहे न, इहा ब्रूफिन टेबलेट आहे, इहे तोखे जॾहिं बि पेन थिए न तॾहिं तोखे इहा ब्रूफिन टेबलेट टे दफ़ा खणी आहे, हिकिड़ी सुबुह जो, हिकिड़ी शाम जो, ऐं हिकिड़ी राति जो खाई करे सुम्ही पओ। इहो ॿियो जेको इहो
सीरप आहे ना इहो ऑगमेंटन आहे, इहो जॾहिं बि तोखे अठ अठ घंटे जे बाद न इहो पीअणो आहे, अठ घंटे जे बाद वापसि अठ घंटे जे बाद ॿ चमचा पीअणा आहिनि। ऐं टियों जेको आहे हुनखे चवंदा, जेकॾहिं तोखे फीवर थींदो त पोइ फीवर में तोखे ई पेनाडोल गोरी खाइणी आहे। त उन्हनि ॻाल्हियुनि खे पको पको यादि करे छॾे के जेकी आहे न ब्रोफेन आहे सा सुबुह दुपहर शाम जो खाइणी आहे, जेकी ऑगमेंटन आहे उहा अठ अठ घंटे जे बाद खाइणी आहे, ऐं जेकी पेनाडल आहे सा फीवर जे टाइम ते। वापसि ॿुधाए के जेकॾहिं ब्रोफेन खाइणी आहे त कहिड़े टाइम खाइणी आहे, सुबुह जो, दुपहर जो ऐं शाम जो। ऑगमेंटन हर अठ घंटे बाद, ऐं जेकी पेनाडोल आहे सा कीअं खाइणी आहे, जॾहिं बुखार अचे। भले केतिरो पको हुनखे यादि करे छॾे, लेकिन जेकॾहिं उन्हनि गोरियुनि खे खाईंदो न, इहे टेबलेट्स खाईंदो न, त हुनजो बुखार दूरि थींदो न थींदो न। जीअं असांखे कोई बि मिठाई जी रेसिपी घणेई दफ़ा पढ़ूं असांखे पूरी पकी थी वञे, पोइ बि जेसि ताईं उनखे पकाए करे असां भोग न लॻाईंदासीं तेसि ताईं असांखे उनजो टेस्ट न ईंदो। तंहिं करे इहो जेको शास्त्रनि में ज्ञान आहे न, जंहिंखे असां ज्ञान चवंदा आहियूं, जेतिरो जेतिरो ॿुधंदा आहियूं, भले ई सभई श्लोक श्रीमद भगवत गीता ऐं भागवतम जा कंठस्थ बि थी वञनि, लेकिन जेसि ताईं जीव पंहिंजे जीवन में इन ज्ञान खे अप्लाई न कंदो आहे, तेसि ताईं आत्मा संतुष्ट न थींदी आहे। इन ई तरह भले ई असांखे शास्त्रनि जो केतिरो बि ज्ञान थी वञे, भले ई असांखे चार वेद, छह शास्त्र, अरिड़हं पुराण कंठस्थ थी वञनि, श्रीमद भगवत गीता ऐं भागवत जा सभई श्लोक यादि थी वञनि, लेकिन जेकॾहिं असां उन्हनि शास्त्रनि जे मर्म खे न सम्झंदासीं, जेकॾहिं असां पंहिंजे जीवन खे परिवर्तित न कंदासीं, जेकॾहिं हरिअ जे पवित्र नाउनि जो जप न कंदासीं, जेकॾहिं नियमनि जो पालन न कंदासीं, तेसिताईं असांखे आनंद न ईंदो, तेसिताईं परमात्मा जो दर्शन न थींदो। छाकाणि त ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान सां गॾु विज्ञान ज़रूरी आहे, तॾहिं आत्मा आनंदित थींदी आहे। ऐं पोइ छा थींदो आहे, कूटस्थो विजितेंद्रिय, कूटस्थो माना जॾहिं विज्ञान और ज्ञान पाण में मिलंदा आहिनि तॾहिं जीव कूटस्थो माना आध्यात्मिक रूप में स्थित थी वेंदो आहे। पोइ इंद्रियनि जी नंढी नंढी जेकी फरमाइशूं आहिनि उहे उनखे असुर न कंदियूं आहिनि। इहो कीअं आहे, जीअं कोई माण्हू हुजे, इहो हिकिड़ी बिल्डिंग में उनजो जेको घर आहे, हिकिड़ी वॾी बिल्डिंग आहे, घणी मतिलबु लंबी बिल्डिंग आहे, ऐं उहा बिल्डिंग जेकी आहे उहा 78 फ्लोर जी आहे। अगरि कोई 78 फ्लोर ते रहे थो त पोइ जॾहिं उहो पंहिंजी बालकनी में अची करे ॾिसंदो न, तॾहिं उन्हनि खे जेके ॿिया गाॾियूं आहिनि या नंढिड़ा माण्हू जेके आहिनि न, से बिल्कुलु नंढिड़ा नंढिड़ा ॾिसण में ईंदा, है न, नंढियूं नंढियूं गाॾियूं हूंदियूं नंढिड़ा, त उहो त केतिरो मथे स्थित आहे, तंहिं करे नीचे छा थी रहियो आहे, उन सां उनखे को कमु ई न आहे, है न। इन ई तरह सां जॾहिं ज्ञान जे साथ विज्ञान गॾजंदो आहे तॾहिं जीव आध्यात्मिकता में स्थित थी वेंदो आहे, ऐं जॾहिं जीव आध्यात्मिकता में स्थित थी वेंदो आहे पोइ इन इंद्रियनि में छा घटित थी रहियो आहे, छा इच्छाऊं ईंदियूं अची रहियूं आहिनि, उन सां उनखे को फ़र्क़ु न पवंदो आहे। ऐं योग त इत्युच्यते योगी, जॾहिं उहो इन स्थितीअ में युक्त थी वेंदो आहे तॾहिं उनखे संसार जी हर शइ बराबरि लॻंदी आहे। सम लोश ट्राश्म कांचना, चाहे उहो लोह हुजे या पत्थर हुजे या सोन हुजे, उनखे हिकु जहिड़ो लॻंदो आहे। छाकाणि त ई उनखे ख़बर पई हूंदी आहे, भौतिक शयूं आहिनि, इहे मुंहिंजे कम जूं न आहिनि, मां आत्मा आहियां, आत्मा जो आनंद भॻवान जी भक्तिअ में आहे। तंहिं करे पहिरीं जेको हूंदो आहे योगी, उहो टिनि शयुनि ते टिनि शयुनि खां अॻियां वेंदो आहे, शरीर, मन ऐं अहंकार, सुख दुख ऐं सर्दी गर्मी
अभिमान अपमान उन बराबर लगता है जैसे उहो ज्ञान से गड विज्ञान के प्राप्त कंदो आए तने टे लोह पत्थर ऐ सोन उन बराबर लगता है यानी भौतिक जी वस्तु आन उ भी बराबर लगता है अज वरी भगवान जो बुधाए रहा है सो उन भी हाइएस्ट स्थिति है वह चाहे जिते भगवान चवन था सम बुद्धिर विशिष्यते हाने विशिष्यते मन उन मथे आयल आहे जेको जितने व्यक्ति आहिन न पहनी तो पेंजे शरीर ताई लिमिटेड हो आए वस्तुअन के भी महत्व न दिनाई लेकिन वो उन वधिक अग्या अच आयल आहे जेको जितरा ब्या मानू उनसा गड डील कंदा आहिन उनन में भी एक जड़ाई दिसंदो आहे केड़ा मानू डील कंदा आहिन सुहण मित्रार अरी उदासीना सुहण माना जेके तव्हांजा सुहण आहिन सुहूर्त चवंदा आहिन वेल विशर आहिन जेके शुभ चिंतक आहिन उहे मित्र माना जेके तव्हां से प्रेम कंदा आहिन उहे ऐं अरी चवंदा आहिन दुश्मन के चाहे वो असंजो मित्र हुजे चाहे वो असंजो शुभ चिंतक हुजे या असंजो दुश्मन हुजे ऐं उन सां गॾु उदासीनम उदासीनम मतलब बिल्कुल अलग हुजे न मित्र हुजे न दोस्त हुजे न दुश्मन हुजे उदासीनम मध्यस्थ मध्यस्थ यानी जेको सेंटर में हुजे माना कॾहिं कॾहिं मित्र थी वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं दुश्मन थी वेंदो आहे मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु के द्वेष द्वेष कंदा हुजनि ऐं के बंधु यानी प्रेम कंदा हुजनि इहा हाइएस्ट स्टेज इन करे आहे छाकाणि त पहिरीं जेकी स्टेज आहे की असांखे सुख दुख न लॻे सर्दी गर्मी मान अपमान जो फीलिंग न थिए उहो पंहिंजो पाण ताईं आहे मन बि असांजे हथ में आहे इंद्रियूं बि असांजे हथ में आहिनि त उहो पाण ताईं लिमिटेड ॻाल्हि हुई ऐं उन खां पोइ एतिरो जेकॾहिं कोई जीव करे बि लाहींदो आहे पोइ बि उनखे इहा त ख़बर हूंदी आहे न की धन दौलत जी केतिरी महत्व आहे सोन ऐं पत्थर खे त हिकु जहिड़ो न ॾिसंदो आहे लेकिन जॾहिं उनजो ज्ञान वधी वेंदो आहे पोइ उनखे सोन पत्थर लो सभु हिकु जहिड़ा लॻंदा आहिनि पोइ त उहो उन खां बि वधाए लेकिन भले उहो उनखे भौतिक वस्तुअनि में हिकु जहिड़ा ई सम्झ में अची बि वञे लेकिन भले उहो केतिरा वॾो वक़्त बि अॼु असां ॾिसंदा आहियूं जेके उन सां दुश्मनी कंदा आहिनि उन्हनि खे उहे सुठे शब्दनि में यादि न कंदा आहिनि बाक़ी जेके मित्र हूंदा आहिनि जेके प्रेम कंदा आहिनि सुहण मित्रार अरी बंधुषु भले उहो उन लाइ मित्रता रखंदो हुजे भले उन जंहिंसां शत्रुता रखंदो हुजे उन जो वेल विशर हुजे या उन जो कुझु बि उनखे इम्पोर्टेंस न ॾिए तटस्थ हुजे कॾहिं दुश्मन हुजे कॾहिं दोस्त हुजे या द्वेष कंदो हुजे या बंधु हुजे ऐं उन खां बि साधुष्वपी च पापीषु उहो साधू हुजे या पापी हुजे उन्हनि सभिनि खे उहो हिकु जहिड़ो ॾिसंदो आहे जेको केरु ॾिसंदो आहे जेको योग आरूढ़ स्थिति ते अची वियो आहे उन्हनि जे लाइ सभु हिकु जहिड़ा आहिनि चाहे उहे सुहृद हुजनि शुभ चिंतक हुजनि मित्र हुजनि यानी दोस्त हुजनि अरी यानी दुश्मन हुजनि या फिर भलो चाहींदड़ हुजनि ॿिए तरफ़दार हुजनि या निरपेक्ष ईर्ष्यालु हुजे दोस्त हुजे ऐं दुश्मन हुजे पुण्यात्म ऐं पापी सभिनि खे हिकु समान ॾिसंदो आहे जेको योग आरूढ़ स्थिति ते पहुचंदो आहे त इहा ॾाढी महान स्थिति आहे भॻवान असांखे अॻियां और बि महत्वपूर्ण ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा कृपया तव्हां सभु साथ रहिजो ऐं मूंखे आशीर्वाद अवश्य ॾिजो त मां पंहिंजी सेवा ऐं साधना खे चङी तरीक़े सां करे सघां हिते श्रीमद भगवत गीता जे 6 अध्याय खे पढ़ण जे टाइम ते हृदय में हिकिड़ी शंका हूंदी आहे कि आख़िर भॻवान हिते हिन 6 अध्याय में
ध्यान योग अष्टांग योग जे बारे में छो ॿुधाए रहिया आहिनि? अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करण आयो आहे, युद्ध कयां या न कयां उहो पुछी रहियो आहे, ऐं पंजे अध्याय ताईं भॻवान उन्हनि चीज़नि खे ई डिटेल सां सम्झाए रहिया। अचानक हिन छहें अध्याय में भॻवान ध्यान योग खे योग आरूढ़ ऐं योग आरूढ़ स्थितीअ खे ॿुधाए रहिया आहिनि त हिन जो कारण छा आहे। भॻवान हिते छहें अध्याय में आख़िर अर्जुन खे ध्यान योग जी शिक्षा छो ॾिनी? छाकाणि त अर्जुन खे युद्ध करणो हो, युद्ध नीति जी शिक्षा ॾियणु घुरिजे, पर भॻवान हिते ध्यान योग जे विषय में छो था ॿुधाइनि? तव्हां सभिनि सां प्रार्थना आहे कि जेको मन में हुजेव सो इन क्वेश्चन जे उत्तर में तव्हांखे ॿुधाइणो आहे। हाणे असां 5 चैप्टर पढ़ी चुका आहियूं ऐं 6 अध्याय में जॾहिं भॻवान असांखे योग आरूढ़ ऐं योग आरूढ़ स्त्रीअ स्थिति जे बारे में ॿुधाइनि था, ध्यान योग जे बारे में ॿुधाइनि था, अष्टांग योग जे बारे में ॿुधाइनि था, त इन जो कारण छा आहे, इहो तव्हांखे उत्तर ॾियणो आहे। तव्हां सभिनि जा लख थोरा जो एतिरो प्रेम सां ॿुधो अथव, कृपया मूंखे आशीर्वाद ॾियो त मां बि पंहिंजे भॻवान सां प्रेम करे उन जी सेवा करे मन उन में लॻाए पंहिंजे जीवन खे धन्य करे सघां। हरे कृष्ण।